छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मां बम्बलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें, डुगरगढ़ पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल का बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी भव्य स्वागत किया है। वहीं मीडिया से मुखातिब बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे और इस दौरान मां बम्बलेश्वरी देवी के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। मैं लगभग दोनों नवरात्रे में माता रानी के दर्शन करने आता हूं और माता रानी के दर्शन से शक्ति मिलती है और उस शक्ति का उपयोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। मां बम्बलेश्वरी माता से यही कामना करता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि शांति लाए, खुशहाली लाए और हम सबको इतनी ताकत दे कि हम लोगों की सेवा ठीक तरीके से कर पाएं।